हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कुछ न्यू ब्रशेस इन ऑटोडेस्क। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम अपनी फ़ोटोज़ में अपनी स्किन को बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी ऑटोडेस्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर, फिर आपने क्लिक करना है इंपोर्ट इमेज के ऊपर। इंपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपने इसे ड्रैग करते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे एडजस्ट कर लेना है। आपने करना है ओके। ओके करने के बाद आपने जाना है सिंपली ब्रशेज में। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इस ट्रेडिशनल वाले पार्ट में, इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है ब्रशेज टाइप्स। तो यहाँ पर टाइप्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है स्मजेस। स्मज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका फ्लो डाउन कर लेना है। आपने इसका फ्लो कर लेना है 8%, 7 to 8%। देन आपने इसकी स्ट्रेंथ को 25 to 30% आपने इसकी स्ट्रेंथ को कर लेना है। देन आपने करना है यहाँ पर ओके। सो आप इमेज के मुताबिक इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होगा, ऊपर करेंगे तो इसका साइज़ नीचे करेंगे तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होगा। देन आपने सिंपली इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर स्किन के ऊपर इसे सिंपली चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि स्किन बिल्कुल इससे स्मूथ हो रही है। तो आपने इसी तरह इसको ब्रश को चलाते हुए स्किन को स्मूथ कर लेना है। लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। लेयर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको एक एम्प्टी लेयर मिल जाएगी। तो लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है सॉफ्ट लाइट को। सॉफ्ट लाइट क्लिक करने के बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने अगेन सेलेक्ट करना है ब्रशेज के टूल पर। आपने जाना है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है ब्रश नंबर 2। तो आपको ट्रेडिशनल पार्ट में ब्रश नंबर 2 मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसे सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है अगेन सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है ब्रश टाइप। ब्रश टाइप आपने अगेन यहाँ पर भी सॉफ्ट लाइट को ही सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर सॉफ्ट लाइट अगेन पहले से ही सेलेक्टेड है तो आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद आपने क्लिक करना है लिप के ऊपर। लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने शेप्स को इनेबल कर देना है। शेप्स को इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और आपको जो ये वाला शेप मिल रहा है आपने इसको सेलेक्ट करना है। मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं क्या करूँगा, इसे बैक करूँगा। बैक करने के बाद मैं जाऊँगा अपने इमेज के ऊपर। मैंने देख लेना है कि जो लेयर है वो सिलेक्टेड है। लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रश के साइज़ को चेक कर लेना है। तो ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। और आपने कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्राइट इमेज चाहिए तो आप इस वाले कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा कम ब्राइट चाहिए तो आप यहाँ पर इस वाले कोड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ब्रश करना है। तो आपने सिंपली ब्रशेज में जाना है। ब्रशेज में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है इरेजर को, जो कि पहले हम सेलेक्ट कर चुके हैं स्किन स्मूथनिंग में। तो आपने अगेन उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ब्रश टाइप, पहले आपके पास स्मजेस,
जो सिलेक्टेड थी आपने उसे इरेजर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बेसिक्स में जाएंगे तो इसके फ्लो को हम क्या कर देंगे, फुल कर देंगे। फुल करने के बाद बैक आएंगे तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे कर देंगे इरेज। तो दोस्तों ये थी आज की न्यू ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।